दिल्ली में कृषकों विशाल शोभायात्रा आज रामलीला मैदान संसद मार्ग पर्यंत पदयात्रा कर कृषक मैंने 40,000 चाषी एकाठी होती। चाषी मैंने आनंद विहार निजामुद्दीन ब्रिजवासन मंजुका टीला और किशनगढ़ दे दिल्ली को प्रवेश कर हजार हजार चाषी भिड़ को लक्ष्य कर दिल्ली में कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर विभिन्न स्थान में पुलिस मुतयन होती। राजधानी दिल्ली में दुई मास मध्ये चाषी मानकर एहा हेउछि द्वितीय विशाल शोभायात्रा। आंदोलनरत चाषी अधिक आलोचना करिछन्ति हम दिल्ली प्रतिनिधि सबना मातेनी। विभिन्न दाबी नहीं आज दुई दुनिया किसान रैली दिल्ली में अनुषित होची रामलीला मैदान रु रैली जाउची पार्लियामेंट स्ट्रीट एवं सेमानकर दाबी रही स्वामीनाथन कमिशन को लागू करिबा ऋण माफ करिबा एवं एमएसपी को दुई गुणित करिबा एवं एहा सह जो किसान संगठन रही सेमाने एकत्रित होइछन्ते 200 रु अधिक संगठन एकत्रित होइछन्ते आपण देखि पार्थिवे विजुअल किभली भाबे समस्या एकत्रित होई गोटे बड रैली रे एठी आसुछन्ती एवं दाबी सरकार को जनाउछन्ती ताहा सह किभली भाबे पार्लियामेंट रो जॉइंट सेशन एठे अनुष्ठित करा जिवो एवं जॉइंट सेशन रे कृषक मानकर जो दाबी रहिछि एवं जो समस्या रहिछि ताकु ने समस्त डिस्कस करिबा पई मध्ये ई रैली रे से माने दाबी करूछन्ती एवं दिल्ली रे जो भली भाबे कोनोसी प्रकार अघटन न घटे सेथि नै 3500 रु अधिक पुलिस कर्मी नियोजित होइछन्ती रामलीला मैदान रु पार्लियामेंट स्ट्रीट पर्यंत जिबा रास्ता को समस्त पुलिस छाउणी रे कन्वर्ट होइछि एवं समस्त को कोभली भाबे रास्ता रे जिबा आसिबारे ट्राफिक समस्या ना हुए ताकु नै समस्त सुरक्षा व्यवस्था को मध्ये कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि। डॉक्टर स्वामीनाथ की सिफारिश मुताबिक हर जिंस का 50% विच मुनाफा जोड़ के किसानां नू दित्ता जावे सारे का सारा कर्जा जो पंजाब दे बक-बक स्टेटां दा सारा कर्जा खत्म किया जाए। पर मोदी सरकार ने जो वादे किए लोगों के नाल कि डॉक्टर स्वामीनाथन सिफारिशों मुताबिक भा देवे नहीं दिया और कर्जा माफ करा नहीं किया। इसके संगठन सारे इकट्ठे हुए हैं हिंदुस्तान के। इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया है, इससे पहले भी आपने दिल्ली में आके यहाँ पे हुंकार दी है लेकिन सरकार अभी तक कोई भी बात आपकी मानी नहीं है, आगे क्या रहेगा आपका प्रयास? आगे एजिटेशन साड़ी जारी रहेगी। आज प्रदर्शन करके इन्होंने दस दिता कि इंडिया के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, जब तक इन्होंने डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो कीमत तार नहीं पड़ेगी। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम भी ये बोला है बोसे हम दुखी हैं, भारत का किसान एकत्र हुआ है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो लागू करवाना है, सरकारी खरीद का गारंटी बनाना है सब का फसलों का और कर्जे में लकीर मारना है। ये जितना कर्जा किसान के जुम्मे बनता है उतना भाग काम दिया है, उनसे भी सरकार को बचत होगी। ये पिछला स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे तो फिर भी सरकार को मुनाफा कर्जे में लकीर मारनी है। अभी जुलूस चलो पार्लियामेंट में। सर आपके क्या डिमांड है? हमारे को किसानों का खेत को दाम लेना और बाकी माफी के लिए 2 साल से किसान लोग को पूरा मिलके देश में पूरा मिलके किसानों को लड़ाई कर रहे, इसके लिए मोड़ी नहीं दे रहा। आज एपी से एक किसान लोग पूरा आके मोड़ी को पूछने के लिए अभी आ रहे।